मिर्ची खाइएगा ना, थोड़ा कम दीजिएगा। ये आ गया हमारा डोसा और ये आप देख सकते हो ये बहुत MIG 27 ML बहादुर, आप देख लो। इस बहुत मन था यार ये करने के लिए मुझे। राफेल तो उड़ेगा पूरा यार, ये पाकिस्तान का बहुत लफड़ा है। अगर आप इस जगह में होते तो आपको कैसे फील होता। ये है गुवाहाटी का प्लानिटेरियम, आप देख सकते हो। तो यहाँ पे मतलब आपको पूरा प्लानेट के बारे में सब डिटेल्स बताया जाएगा। ये असम गुवाहाटी में है और ये इसका गेट है। और इस तरफ से आप मंदिर से आओगे तो ये रास्ता जो है ये मंदिर के तरफ से आता है, और यहाँ से आओगे तो आपको ये गुवाहाटी प्लानिटेरियम मिल जाएगा। और इधर डिटेल्स टाइमिंग दिया गया है, तो कौन से टाइमिंग में कौन से लैंग्वेज में आपको शो है, तो इंग्लिश में भी है, आसामीज में है, यही दो लैंग्वेज आपको मिलेगा बस। ये देख सकते हो साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट एस्टेब्लिश्ड ऑन 1994। भैया क्या झालमुड़ी होगा क्या? और ये फ़ोन पे लेते हो ना? ठीक है, मैं कितना कितना का 10 रुपये का दे सकते हो क्या? कितने का? 20 का, ये सब मिला के दोगे ना? ओके, ये क्या क्या है आप में? सब है ये वाला देख सकते हो, ये सब कुछ मिलाओगे ना? सब मिला। ओके, आपका नाम भैया? अमूल्य राम अयोध्या। आपका नाम अयोध्या से हो? अयोध्या अयोध्या से हो कि आपका नाम नहीं है? ओके ओके, बिहार से। और बिहार से हो, लेकिन हमारा जो है ना नाम, हमारा माता पिता राम रख दिया, राम अयोध्या। ओके ओके, लेकिन बहुत अच्छा नाम है, बोलिए। और ठीक है, मैं पहले पे करता हूँ, उसके बाद ही खाऊंगा। ये वाला नहीं है, उसमें भी होगा, ठीक है। हाँ राम शॉपी वाला ना, 20 रुपीज़ देता हूँ। मिर्ची खाइएगा ना, थोड़ा कम दीजिएगा। नींबू वम्बू? हाँ हाँ, हो गया। तुम्हें तो खबर, नींबू चाहिए ना? हाँ नींबू चाहिए। थैंक यू भैया। ये गाइस आप देख सकते हो ये वाला, इधर तो एक्चुअली आप देख सकते हो कुछ बैठने के लिए नहीं है, खाने के लिए मुझे कैमरा रखना पड़ेगा लग रहा है, आप देख सकते हो। ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? ये पाजना ट्रेनिंग दे रहा है। क्यों, कोई मतलब आने से मतलब सीएम आए हैं क्या? मुख्यमंत्री कुछ तो कोई आया है, VIP पर्सन, उनके स्वागत में ये सब हो रहा है। और ये सामने देख सकते हो गुवाहाटी हाई कोर्ट है, बहुत ही ब्यूटीफुल बिल्डिंग है। और देखते हैं ये क्या है, ये किसके लिए ऐसे बज रहा है ये सब चीज़। मुझे मालूम चला कि CM आ रहे हैं, बट मैं गलत भी हो सकता हूँ, देखते हैं। क्या हो रहा है, ये स्टेज बन रहा है कुछ। गाइस ये आप देख सकते हो ये वार मेमोरियल है, और ये आपको असमीज में देखने को मिल जाएगा, ये जो असम में है। और ये हम लोग का एंट्री पॉइंट है, तो एंट्री हम करके, हेलो सर, हेलो, तो यहाँ पे लिख गया कि आप कब तक आ सकते हो देखने के लिए। और ये आप देख सकते हो ये बहुत बड़ा टैंक है, विजय अंता टैंक है, और इसका आप डिटेल्स पूरा देख सकते हो। और ये कुछ टैंक इस तरह का आपको दिख सकता है। और फिर आगे हम जाएंगे तो ये सामने आपको दिख जाएगा जेट, और पूरा पास में जाके आपको दिखाता हूँ। और यहाँ पे आपका अपना तिरंगा का पताका दिख, मतलब जो है फ्लैग आपको देखने के लिए मिल जाएगा। और ये मेमोरियल का कुछ फूलों से सजाया हुआ बहुत ही खूबसूरत नज़ारा, और लोग बहुत सारे आ रहे हैं देखने के लिए, और हम भी सोचे कि आपको थोड़ा दिखा दें। और ये आप देख सकते हो ये वाला
जो है ये क्या है, ये थोड़ा पास में जाके देखते हैं। 522 इंडियन एयरफोर्स MiG-27 ML बहादुर, आप देख लो इसका नाम यह है। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही सुंदर दिख रहा है, ऐसे ही तो देखने को मिलेगा तो कभी उड़ा नहीं सकते, लेकिन सिखाएंगे तो पक्का उड़ाएंगे हम। बहुत मन था यार ये करने के लिए मुझे। ये मिसाइल देख लो, RZ-13 SAM मिसाइल। और हम नीचे की तरफ जाएंगे, और क्या ये किनका, ये जो ये शायद ये वॉरियर का मतलब स्टैचू जैसे बनाया गया है। पास में जाके देखते हैं और थोड़ा डिटेल्स लेते हैं कि क्या है। वॉर मेमोरियल गुवाहाटी, प्रोजेक्ट अंडरटेकन बाय द राज्य सैनिक बोर्ड आसाम, ये पूरा डिटेल्स लिखा गया है, आप देख सकते हो। उसके बाद हम इसके अंदर की तरफ प्रवेश करेंगे। ये क्या लिखा है, द फास्ट एंटी ब्रिटिश अपराइजिंग इन आसाम 1828 to 1830। ये जो पूरा इनका डिटेल्स दिया गया है आप देख सकते हो। ये क्या है, ये द रिवेलियन ऑफ द खासीज 1828 to 1832 के बीच में ये हुआ था, ये देख सकते हो आप। क्विट इंडिया मूवमेंट इन आसाम 1942 में हुआ था, आप इसका नज़ारा देख सकते हैं। और ये वाला है रिवॉल्ट ऑफ 1857 इन आसाम, ये सब देख सकते हो। ये राजा है, ये तो अंग्रेज़ों का कोई लग रहा है। तो फिर आप देख सकते हो ये एंग्लो मणिपुर वार 1891 में हुआ था, और इसका कुछ पिक्चर, मेरे को तो उतना नॉलेज नहीं है, लेकिन आपको अगर ये देख के कुछ याद आ रहा है तो आप प्लीज़ शेयर कीजिए मेरे साथ कमेंट में। और ये वार म्यूजियम, ये है वार म्यूजियम, ये सब फ्लैग लगाया गया है। और इसके अंदर अगर हम जा पाएंगे शायद, सब देख सकते हैं। और इसके अंदर जो है ये है क्या लिखा गया है, डायरेक्टरेट ऑफ सैनिक वेलफेयर आसाम, और ये इंडियन आर्मी का है, सेना परून, राज्य सैनिक बोर्ड, भारतीय वायुसेना। ओके, तो ये सब देख सकते हो इसके अंदर, ये पूरा वार हीरोज ऑफ आसाम, ये सब आसाम के हीरो हैं, आप देख सकते हो। गाइस आप अगर इनमें से किसी को जानते हो तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिए। और ये है INS Delhi गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर, देख लो इसका। SU-30 MKI, MiG-29 जागुअर तो एक नंबर दिख रहा है। और ये INS कलवरी S-50, ये IL-76 MD, अपाची AH-64E, MiG-21, राफेल तो उड़ेगा पूरा। और ये गाइस ये सब कोई जो हमारे हीरो है आसाम के, आप देख सकते हो इनको पूरा। और इनका ये पूरा मेडल है, सर्विस मेडल है ये सब चीज़। डायरेक्टरेट ऑफ सैनिक वेलफेयर आसाम, इंडो पाक वॉर 1965 का ये कुछ नज़ारा, इंडो पाक वॉर हुआ था 1965 में, इंडो पाक वॉर 1971 में, ऑपरेशन विजय गोवा 1961 में, सिनो इंडिया वॉर 1962 में, और इंडो पाकिस्तान वॉर 1947 to 1948 में। यार ये पाकिस्तान का बहुत लफड़ा है, उसी के साथ ज़्यादा वॉर हुआ है। ये बाहर में
कुछ ऐसे तालाब जैसे बनाया गया है। और आप वो स्टेचू देख रहे हो, वो बहुत ही खूबसूरत दिख रहा है। पास में जाके देखते हैं क्या है वो। यह आप देख सकते हो स्टेचू विथ रिवर्स्ड आर्म। और ये वाला क्या है, ये क्या है, स्प्लिटिंग एंड टचिंग ऑफ एनी आर्टिफैक्ट इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। ओके, बैटल ऑफ सरायघाट। अगर आप जानते हो बैटल ऑफ सरायघाट क्या है, तो ये इसका आप देख सकते हो। ये उनका जो मतलब वो नाव में रह के कैसे फाइट करते थे अपने तीर से, तलवार से, बहुत ही बड़ा स्टैचू बनाया गया है। आप देख सकते हो बहुत ही खूबसूरत। दोनों साइड नाव चलाने वाले हैं, दोनों साइड तीर पकड़ के, और ये आप तो सामने देख सकते हो तलवार, और आगे मतलब आग पकड़ के देखते हुए दुश्मन को, मतलब पूरा तोप रेडी करके रखे हैं आगे। इधर तोप के लिए हाथ में फायर और नज़र पूरा तेज। यार ये सीन अगर ऐसा रियल में मतलब हो रहा है, ये देख के बहुत, आप सोचो आपको कैसा लगता है अगर आप इस जगह में होते तो आपको कैसे फील होता। ये थोड़ा मैं आपको दिखा सकता हूँ, आप पॉज करके देख लेना अगर आपको पता नहीं क्या है ये। ये ब्रह्मपुत्र रिवर में ही हुआ था एक्चुअली। इधर लिखा गया है 1671 में हुआ था ब्रह्मपुत्र रिवर में। आप देख सकते हो ऐसे टाइप का कुछ शॉप दिखता है, 56 भोग लिखा गया है, और ये पूरा मेनू है, और ये है पूरा, और ये ओनर है। आपका नाम भैया? मैंने भी अशीम, अशीम नाथ। ओके, आप कहाँ से हो? मैं गुवाहाटी से हूँ। गुवाहाटी से है। आपका नाम क्या है? ये 56 भोग है। ओके, ये वेज चेन है हमारा, वेज हम गुवाहाटी में है, हमने यहाँ पे शुरू किया है। ओके, एक्चुअली मतलब ये जो है मतलब प्योर भेज ही बनता है। ओके, आपका ब्रांच बाहर में है या मतलब? नहीं है, गुवाहाटी में। ओके, छोटा मोटा शुरू किया। ओके, कोई बात नहीं, बहुत ही लेकिन नीट एंड क्लीन है, बहुत ही अच्छा है। थैंक यू सो मच, आप एंजॉय कीजिए। हाँ श्योर, हाँ। ये डोसा बन रहा है ना, ये देख सकते हो आप, डोसा बन रहा है। ये मसाला डोसा ना भाई, बहुत बड़ा बना है, खा पाएंगे कि नहीं पता नहीं। और ये एक्चुअली मैंने आम आदमी इधर भी पहुंच गया, देख लो। और अगर मैं आपको बाहर से दिखाऊं ये कैसे दिखता है, ये वाला है 56 भोग, ऐसे ही दिखता है। और ये हमने लस्सी मंगाए लिए थे और खा भी लिए, बहुत ही टेस्ट था, वेट नहीं कर पाए। और एक नंबर, बहुत ही अच्छा लगा ये लस्सी के ऊपर, ये चेरी है, ये देख सकते हो। एक नंबर, ज़्यादा मतलब शुगर नहीं है, सब बैलेंस्ड है, बहुत ही अच्छा टेस्ट है। ये आ गया हमारा डोसा, इसको खाएंगे और टेस्ट करके बताएं। थैंक यू भैया। ये साइड में रखते हैं, और डोसा के अंदर आलू स्टफिंग किया गया है, आप देख सकते हो। और ये हो गया आपका सांभर। बेस्ट है यार। ये देख सकते हो ये आलू का जो स्टफिंग है, इतना ज़्यादा भी नहीं कि आप बोर हो जाए, सही मात्रा में है।